भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जिला ऊना के प्रभारी व पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री ने ग्लोड और हरेटा के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। ग्लोड पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। स्कूल प्रबंधन समिति ने पूर्व विधायक को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। प्रधानाचार्य मदन बनियाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा का ढांचा बनाया गया है। उच्च क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। आज सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने स्कूलों में पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध करवा दी हैं और यह उन सबके लिए गर्व का विषय है जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को उन्हें संस्कारवान शिक्षा देनी होगी, तभी अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उन्होंने कहा कि आज कुछ चीजें जब मुफ्त और आसानी से मिलना शुरू हो जाती हैं, उनकी ओर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और ना ही उन्हें ज्यादा अभिमान देते हैं, जो कि गलत है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। उन्होंने बच्चों में नशे की बढ़ रही लत पर भी बच्चों के अभिभावकों को सचेत रहने की सलाह दी है। विजय अग्निहोत्री ने कहा कि ग्लोड वासियों के लंबे समय से चली आ रही डिग्री कॉलेज की मांग को भी सरकार के समक्ष रखा जाएगा और इस मांग को पूरा करवाने के लिए वह प्रयास करेंगे। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही ग्लोड में कॉलेज खुलवाया जाएगा। मौके पर हरेटा के उपप्रधान हंसराज, पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष जीआर शर्मा, जिला परिषद बिहारी लाल शर्मा, मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, राजकुमार, ठेकेदार व प्रबंधन समिति के सदस्य इत्यादि मौजूद रहे।